एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हमारे से? हाँ मैं वही बता रहा था, एग्जाम क्या है आपका? सॉफ्टवेयर बनना है सर। सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहे हैं मेटाबस। अब इतने सारे अपलोड होने में टाइम तो लगता है, ठीक है? आज हो जाएगा शायद, मे भी आज सॉर्ट आउट हो जाएगा, शायद आज या कल डेट शीट आ जाएगी आपके पास। होने वाले आज तो नहीं होने का सर। नहीं आज नहीं होने के बेटा, आज होते तो अब डेट शीट आपको कम से कम 2 दिन पहले तो मिलेगी। जाना भी सर। चलो अब लिखो नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। अब लिखो हेडिंग, डालो व्हीकल, व्हीकल डालो हेडिंग, व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। VEHICLE, व्हीकल लिखो। देयर आर, अब देखो व्हीकल बेस, व्हीकल का मतलब होता है बेस। बेस आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के आपके बेस होते हैं? एसिड बेस। अब गधे, एसिड बेस, आयन की बात हो रही है यहाँ, क्या बात चल रही है? बेस यहाँ बात हो रही है व्हीकल की। देखो एक तो आप सिंपल चीज है, आप पानी में घोलते हो चीज, ठीक है? पानी इन द सेंस वो कुछ भी हो, लिक्विड मैटर कुछ भी हो, आपका अल्कोहल हो, ईथर हो, नॉर्मल वाटर हो आपका, ठीक है? इट मींस ये सब क्या है, लिक्विड कैटेगरी में आ गए। जबकि दूसरी क्या होती है, या फिर आप ऑयल में डिजोल्व करते हैं कुछ चीज़, तेल में, ठीक है? तो बेस आपके दो तरह के होते हैं बेटा, एक्वस एंड नॉन एक्वस, ठीक है? तो वही लिख रहे हैं हम, लिखो देयर आर टू टाइप ऑफ बेस या टू टाइप ऑफ व्हीकल। देयर आर टू टाइप ऑफ व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। अब जैसे भी आपको लगाना है, चाहे दो एरो लगा दो, चाहे दो पॉइंट लिख लो, कैसे भी एरो अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है एरो, नोट्स अच्छे लगते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल, टू एरो लगा दो, फर्स्ट पे लिखो एक्वस, AQUEOUS, एक्वस, और सेकंड पे लिखो, सेकंड एरो पे नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, NON, नॉन लगा देना बस, नॉन एक्वस। अब एक्वस के नीचे ब्रैकेट में लिख दो वाटर, वाटर, WATER, वाटर, ब्रैकेट क्लोज। नॉन एक्वस के ब्रैकेट नीचे ब्रैकेट में लिख दो ऑयल, OIL, ऑयल, ठीक है? तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा एकदम, ये डायग्राम देखते हैं आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा दो टाइप के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। अच्छा इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें हमारे वाटर आते हैं, इसमें हमारे ऑयल आते हैं। तो कम से कम अगर इतना भी बना होगा तब भी फुल मार्क्स हैं, ठीक है? अब तो लिखना है बस, और लिखना तो बहुत आसान होता है, जब आपको पता है तो लिखना आपके लिए आसान है। दिक्कत तब आती है अगर आपको चीज़ के बारे में पता ही ना हो, ठीक है? अब लिख दो एक्वस में छोटा सा, एक्वस में लिख दो छोटा सा, वाटर इज यूज्ड एज, वाटर इज यूज्ड एज मेजर व्हीकल, MAJOR, वाटर इज यूज्ड एज मेजर व्हीकल, VEHICLE, मेजर व्हीकल। Because it can easily tolerate TOLERATE, easily tolerate with body, ठीक है? ईजिली टॉलरेट विद बॉडी, BODY, ठीक है? इट मीन्स वाटर आपका क्या है, वाटर आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक्वस व्हीकल है,
एक्वस व्हीकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है आपकी वाटर, क्यों? क्योंकि ये बॉडी से इजीली टॉलरेट हो जाता है, आपकी बॉडी के साथ बड़े आराम से कंपेटेबल है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है, कि वाटर हमारी बॉडी से सीधा सीधा बड़े आराम से कंपेटेबल हो जाता है, तो इसलिए वाटर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे नॉन एक्वस में लिख दो, नॉन एक्वस में लिख दो फिक्स्ड ऑयल, FIXED, फिक्स्ड ऑयल कोमा कोमा एल्कोहल, ALCHOL, एल्कोहल फिक्स्ड ऑयल कोमा एल्कोहल आर कॉमनली यूज्ड, आर कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एक्वस व्हीकल आर यूज्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस व्हीकल आर यूज्ड, नॉन एक्वस व्हीकल आर यूज्ड व्हेन, WHEN, व्हेन ड्रग इज नॉट सोल्यूबल, ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन, ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन एक्वस व्हीकल, ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन एक्वस व्हीकल, ठीक है। जब ड्रग आपकी एक्वस व्हीकल में सोल्यूबल होंगे तब आप नॉन एक्वस व्हीकल यूज करेंगे। सेकंड लिखो एडजुवेंट्स, सेकंड लिखो एडजुवेंट्स, ADJUVANT, एडजुवेंट्स, लिखो दे आर द सबस्टांस, दे आर द सबस्टांस विच आर एड टू इंक्रीज द, which are add to increase the stability of product, to increase the stability of product, STABILITY, stability of product, ठीक है। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? एडजुवेंट्स आप इसलिए डालते हो, एडजुवेंट्स का मतलब एडिटिव्स, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं तो उसमें आप अदरक इलायची, ठीक है, इस तरह डालते हैं ताकि आपकी चाय और अच्छी बन सके, तो उस तरह ये क्या होते हैं आपके एडिटिव्स होते हैं, सॉरी एडजुवेंट्स, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट है जो वो और अच्छा स्टेबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉलोइंग एडजुवेंट्स आर, following FOLLOWING, following adjuvants are, following adjuvants are, और डैश लगा देना, फर्स्ट लिखो वही solubilizing agent, ठीक है। following adjuvants are, कौन कौन से adjuvants आपके हैं commonly, तो फर्स्ट लिखो इसमें solubilizing agent, SOLUBI, LISING, solubilizing agent, लिखो बताओ solubilizing agent का क्या मतलब होगा, ठीक है, नाम से समझते चलो बेटा, लिख बड़े आराम से अपने आप दोगे आप, मुझे पता है इतने कैपेबल सब हैं आप,
ठीक है, हमें पता होता है कौन बच्चा कैसा है, कि कम से कम ये तो लिख सकते हो आप, अगर आपको सोलुबलाइजिंग या मीन्स हेडिंग का आपको मतलब पता है तो आप लिख सकते हो बड़े आराम से। और यही करना होता है, हेडिंग आपको डालनी है, उसके अंदर आपको एक लाइन छोटी सी लिखनी होती है, भाई हेडिंग ही तो लाइन बताएगी आपको, तो बताओ सोल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होंगे। सर जो सॉल्युबिलिटी को बता, बिल्कुल सही बात, यही लाइन डिक्ट तो लिखनी है, जो आपकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे वो आपके सोल्युबलाइजिंग एजेंट होंगे। तो लिखो, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज, INCREASE, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, SOLUBILITY, सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सोल्युबिलिटी पे अंडरलाइन कर लिया करो तो आपको एकदम कैच हो जाएगा कि ये सोल्युबिलिटीज की बात कर रहे हैं। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल SLS कोमा ट्विन, TWEEN, ट्विन, ट्विन भी क्या होते हैं आपके, ट्विन भी आपका सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। ट्विन, TWEEN, ट्विन, ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात क्या हुई, सोल्युबलाइजिंग एजेंट जो आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ाएंगे वो आपके सोल्युबलाइजिंग एजेंट होंगे, जैसे आपका SLS, जैसे आपका ट्विन्स, TWEEN, ट्विन। सेकंड लिखो, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर किस लिए होंगे, जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करें। हाँ, जो आपकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, कि आपकी ड्रग लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक बिल्कुल वैसी की वैसी रहे, वो होती है आपकी स्टेबिलिटी। तो लिखो, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ऑफ ड्रग, कोमा लगाना, ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो दे प्रिवेंट, दे प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑल्सो दे प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ हमें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ऑल्सो दे प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सॉरी अब लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कोर्बिक एसिड कोमा थायो यूरिया, THIO, थायो यूरिया, URA, पूरा ही लिखना, थायो यूरिया, THIO URA, थायो यूरिया, ETC, ठीक है। तो जो आपकी स्टेबिलिटी सही रखेंगे और आपको ऑक्सीडेशन से बचाएंगे वो है आपके स्टेबलाइजर, जैसे आपका थायो यूरिया, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। थर्ड लिखो, बफर एजेंट, बफर एजेंट, बफर एजेंट क्या होते हैं, जो पीएच चेंज कर, फरमान, फरमान, यस सर, बफर एजेंट क्या होते हैं बेटा,
सर जो पीएच के लिए होते हैं। बहुत अच्छे। पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी क्या होती है फरमान? पता ही नहीं, बताओ। तो आज सेशन होता क्या लिखता तू? क्या पता पोसोलॉजी आया हुआ उसमें? पढ़ लो, लिखो बफर एजेंट, लिखो समटाइम्स, SOMETIME, समटाइम द प्रिपरेशन इज समटाइम्स द प्रिपरेशन इज डिग्रेड, डिग्रेड, DEGRADE, समटाइम्स द प्रिपरेशन इज डिग्रेड बिकॉज चेंज इन पीएच अकर, बिकॉज चेंज इन पीएच अकर, चेंज इन पीएच, पीएच है लिखना पी और छोटा सा एच, पीएच तो आता होगा लिखना सबको, बड़ा पी और छोटा एच, तो उसको बोलते हैं पीएच, टू चेंज इन पीएच, ठीक है, कोमा लगाना, कोमा, सो टू रिजोल्व दिस, सो टू रिजोल्व, RESOLVE, रिजोल्व, RESOLVE, रिसोल्व, सो टू रिसोल्व दिस, THIS, दिस बफर एजेंट आर एडिड, बफर एजेंट आर एडिड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम मीन्स कभी कभी क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन होता है या आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो डिग्रेड मतलब खराब या टूट जाती है या चेंज हो जाती है। डिग्रेड का मतलब होता है चेंज होना, क्यों? क्योंकि उसका पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है, एसिड से क्या पता वो बेस हो जाए, ठीक है, तो इस तरह, क्यों? क्योंकि उसका पीएच चेंज होगा, तो ताकि वो आपका पीएच चेंज ना हो, इसके लिए आप उसमें क्या डालते हो, बफर एजेंट। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, SODIUM, सोडियम सिट्रेट, CITRATE, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ANTI, एंटीबैक्टीरियल, BACTERIL, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ये क्या होंगे? नीरज, नीरज, यस सर, एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या होते हैं बेटा? सर जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। चलो ठीक है, लिखो दे आर द एजेंट, दे आर द एजेंट, AGENT, एजेंट विच आर एडिड, विच आर एडिड टू प्रिवेंट, PREVENT, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज, जब आप बना, आप अपना प्रिपरेशन बना लेने के बाद रखते हैं उसको, जब रखे रखते हैं तब तब दिक्कत आती है, क्या पता उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाए कुछ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप काम करते रहते हैं तब तक तो कुछ नहीं होगा,
ठीक है, बट जब आपने रख दी वो बना के तो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या डालते हो, एंटीबैक्टीरियल एजेंट ड्यूरिंग स्टोरेज फुल स्टॉप। सो दे एक्ट एज, दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, PRESERVATIV, प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट लिखो चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट CHELATING, चिलेटिंग एजेंट CHELATING, चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज, कल करेंगे बाकी। समझ में आया गधो? हाँ ना तो कर दिया करो। करो यस सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छे समय आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज़्यादा ही आ गया कुछ। अटेंडेंस मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो चिल्लाना मत। अरे प्रदीप, प्रदीप क्लास में नहीं है बस। बेटा कोई ऐसा तो नहीं है जो ये अभी प्रेजेंट है, किसी ने गलती से ऐड हो रखा और फीस किसी की भी सबमिट ना हो? कोई है आप में से ऐसा? ना सर। और पढ़ते रहो अपना सेशन के लिए भी, ये तो एक्स्ट्रा चल रहा है अब आगे का, ये तो यहीं के यहीं समझ लिया करो। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू अच्छे सर। प्रेजेंट थे, 28 के अटेंडेंस हो चुके थैंक यू हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। गुड लक।